एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद रश्मि। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी है क्या, इसे कैसे मेजर किया जाता है, क्या इसकी क्राइटेरियाज हैं, गांव के लिए और शहर के लिए क्राइटेरियाज अलग अलग क्यों है, या इसके रीजन क्या है पॉवर्टी के। तो ये इतने सालों पुराना हमारा टॉपिक है जो आज भी हम बुक्स में पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉवर्टी। पॉवर्टी इन एबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सन बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता उसे पुअर बोला जाता है। अब बेसिक नीड्स में क्या आ गया आपका, फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो है ही, प्लस एजुकेशन एंड इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसी में आ जाता है आपका, सपोज आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन की जरूरत है लेकिन आप उन मेडिसिन को नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके पास एबिलिटी नहीं है, आपके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस अगर हम पूरी नहीं कर पाते, अगर हम इन बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते तो ये माना जाता है कि हम गरीब हैं, तो उसे गरीब बोला जाता है पॉवर्टी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं या इसके वेरिएंट्स क्या हैं। तो इसके टू वेरिएंट्स हैं हमारे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में वो लोग आते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उन लोगों को काउंट किया जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। ठीक है, तो हम इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू ही पॉवर्टी को मेजर करते हैं, इसके थ्रू ही देखा जाता है कि कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन है और कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। राइट, नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, ठीक है, यही होता है रिलेटिव। तो मतलब आप अपने रिलेटिव के कंपैरिजन में कितने पुअर हैं। अब यहाँ पर रिलेटिव रिश्तेदार का मतलब आपके केवल अपने रिलेटिव नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं चाचा, ताऊ, मामा उनके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ हमारे रिलेटिव से मतलब है हमारी नेबरिंग कंट्रीज, अलग अलग क्लासेस मतलब रीजंस, दूसरी रिलीजन है, धर्म है दूसरे, उनके कंपैरिजन में आप कितने पुअर हैं। सपोज अगर मेरी जॉब 10,000 पर मंथ है और दूसरी जगह पर, दूसरे स्टेट पर किसी बंदे की इनकम 15,000 पर मंथ है, तो मैं उससे 5,000 रुपए से गरीब हूँ, मतलब मैं उससे गरीब हूँ। यहाँ हालांकि मैं गरीब नहीं हूँ, 10,000 पर मंथ अगर मैं अर्न कर रही हूँ तो गरीब नहीं माने जाते। ठीक है, लेकिन फिर भी हम गरीब है क्योंकि हमसे ज्यादा 15,000 अर्न कर रहे हैं पर्सन दूसरे स्टेट में। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर रिलीजन्स के अकॉर्डिंग हम करें तो सपोज किसी एक रिलीजन की इनकम है 10,000, दूसरे रिलीजन की इनकम है 5,000। ठीक है, तो यहाँ भी जो कंपैरिजन है ये क्या हुआ, गरीब इन रिलेशन टू अदर रिलीजन, अदर क्लास, अदर कम्युनिटी, अदर कंट्री। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी ऑफ वन सेट ऑफ पीपल, एक ग्रुप लोगों का इन रिलेशन टू अदर, दूसरे ग्रुप से कितना गरीब है, कितना कम अर्न कर पा रहा है, कितना कम वो अपना कंजप्शन कर पा रहा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, पॉवर्टी मतलब गरीब। रिलेटिव्स के, रिश्तेदारों के कंपैरिजन में हम कितने गरीब हैं, तो यहाँ रिश्तेदारों से मतलब है दूसरी कंट्री, दूसरा धर्म, दूसरे ग्रुप, दूसरा रिलीजन, दूसरी जगह के लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हुआ है। इसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेते हैं पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या है, तो पॉवर्टी लाइन द कट ऑफ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जब हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करेंगे, ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब कितना वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, पर पर्सन कितना खर्चा है उसके सेंस में हम देखेंगे। दैट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। तो एक ऐसी कट ऑफ, एक लाइन को ऐसे कट किया गया है कि जिसे ये पता चले कि इतने लोग पुअर हैं और इतने लोग नॉन पुअर हैं, और किसके सेंस में, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब पर पर्सन के कितने खर्चे हैं। राइट, अब हम देख लेते हैं ये कि गांव
और शहर के लिए वो अलग अलग क्यों है ये क्राइटेरिया। देखिए गांव में जो लोग काम करते हैं वो मोस्टली फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं और शहर में भी फिजिकल वर्क करते हैं नो डाउट, बट शहर के खर्चे ज्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ गांव। ठीक है, तो रूरल वर्सेस अर्बन थोड़ी सी हमारी कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं। गांव में आप हैं तो आपके थोड़े से एक्सपेंसेस कम होंगे, फिजिकल वर्क ज्यादा होगा। ठीक है, शहर में अगर आप हैं तो आपके खर्चे ज्यादा होंगे, फिजिकल वर्क इन कंपैरिजन ऑफ गांव थोड़ा सा कम होगा। तो इसीलिए ये कंपैरिजन भी अलग अलग रखा गया है, क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है गांव के लोगों के लिए और शहर के लोगों के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पुअर किसको बोलते हैं और नॉन पुअर में कौन लोग आते हैं। राइट, तो पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ अपना, ये देख लेते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के टर्म्स में कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर के टर्म में किन लोगों को पुअर माना जाता है और किन लोगों को नॉन पुअर। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे नॉन पुअर। अगर आपका कंजप्शन 816 पर मंथ है, इसका मतलब आप अगर गांव में हैं तो अगर आप 816 रुपए पर मंथ खर्च नहीं कर पा रहे तो आप गरीब माने जाएंगे। और अगर शहर की हम बात करें तो यह है 1000 पर मंथ। अगर शहर के लोगों की इनकम 1000 पर मंथ है, सॉरी इनकम नहीं कंजप्शन, अगर शहर के लोग 1000 रुपए पर मंथ खर्च नहीं कर पाते या उससे कम खर्च हो पाता है उनसे तो वो गरीब माने जाते हैं। और अगर इससे ऊपर की बात करें, अगर ये क्राइटेरिया से ऊपर है तो उन लोगों को गरीब नहीं माना जाता। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आप गांव में हैं, गांव के लोगों के लिए अगर वो खर्च 816 रुपीज 816 रुपए एक महीने में इतना भी खर्च नहीं कर पाते, इसका मतलब वो गरीब है। और शहर के लोग अगर 1000 रुपए एक महीने में खर्च नहीं कर पाते तो वो गरीब है। लेकिन अगर इससे ऊपर है रेशियो तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। अब हम बात कर लेते हैं कैलोरी के बेसिस पर। अच्छा देखिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर जब हम डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं पुअर को और नॉन पुअर को, तो इसे हेड काउंट रेशियो भी बोला जाता है और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम और है, वो आप याद रखना। फर्स्ट इज हेड काउंट रेशियो, देन पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। तो ऐसा रेशियो जब हम पुअर और नॉन पुअर या पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं किसके बेसिस पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, मतलब हर पर्सन कितना अमाउंट खर्च करता है एक महीने के अंदर अंदर। राइट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैलोरी के बेसिस पर कि कैलोरी अगर आपकी आप कितना अमाउंट, कितनी कैलोरी यूज करते हैं, कितनी कैलोरी आप लेते हैं। ठीक है, तो अगर 2400 कैलोरीज आपकी पर डे की है तो ये रूरल एरिया में, अगर आप गांव में हैं तो 2400 अगर आप कैलोरी यूज कर रहे हैं, कैलोरी ले पा रहे हैं, खाना ले पा रहे हैं इतनी कैलोरी का, इसका मतलब नहीं, इतना भी नहीं ले पा रहे, इसका मतलब आप गरीब हैं। तो अगर आपका कैलोरी जो हमारा फूड है वो 2400 कैलोरी से कम है, इसका मतलब आप गरीब हैं। सेम 2100 शहर के लिए है कि 2100 अगर कैलोरीज आप शहर में रहते हैं तो भी आपकी इतनी कैलोरी का आप खाना नहीं खा पाते, इसका मतलब आप गरीब हैं। आप यहाँ पर नहीं ले पाते और नहीं लेना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। अब सपोज आपने नवरात्रि के व्रत रखे, ठीक है, 9 दिन व्रत रखे तो आपकी कैलोरी इतनी नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीब हो गए। राइट, तो वो तो एक आपकी चॉइस है कि आपने वो कैलोरी नहीं ली। ठीक है, आपने व्रत रखा इसलिए हम वो कैलोरी नहीं ले पाए। राइट, लेकिन अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम इतनी भी कैलोरी नहीं ले सकते, हम उस लायक नहीं हो पा रहे, हम इतना खाना नहीं खा पा रहे, ठीक है, तो गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, हम बात कर रहे हैं कि जो ये कैलोरी लेने के लायक नहीं है, जो एबल नहीं है, समर्थ नहीं है, ले नहीं पा रहा थी कैलोरी वो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से चाहे 10 दिन भूखे रहने तो वो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब बन जाएंगे। राइट, तो ये दो क्राइटेरिया थे हमारे पुअर और नॉन पुअर को डिस्क्राइब करने की कि कैसे ये देखा जाता है कि कौन लोग बिलो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और कौन लोग अबव पॉवर्टी लाइन है। राइट, अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, इसके रीजन क्या है पॉवर्टी की। गरीब 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 बहुत हमने सुन लिया, लेकिन इसके रीजन क्या है। देखिए, जब तक किसी चीज के हमारे पास रीजन नहीं होंगे, हम इसके सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो अब हम बात करते हैं इस
लास्ट टॉपिक की मतलब कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, इसके रीजन क्या है। तो फर्स्ट और मेन रीजन, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रीजन क्या है पॉवर्टी का, तो ये होती है पॉपुलेशन। तो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि जो हम उसके कंपैरिजन में अगर जॉब देखा जाए या फिर आउटपुट देखा जाए तो सारी चीजें कम है। हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ना तो जॉब्स बन पा रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो पा रही हैं, ना ही प्रोडक्शन हमारा हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन होता है पॉवर्टी का पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या जो हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक, सपोज आपके पास 100 रुपए है, ठीक, आपके घर में केवल 2 लोग है तो कितने कितने बटे वो 50-50। लेकिन वहीं अगर आपके घर में 10 लोग आ गए, 10 लोग हैं आपकी फैमिली में, 10 मेंबर्स है, तो उन्हें 100 रुपीज को आप जब 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये केवल 10-10 रुपए जाएगा। मतलब इनकम क्या हो गई, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई काफी जगह पर, जिससे वो अमाउंट छोटा हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है हमारी पॉपुलेशन का असर। पॉवर्टी इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तक हम 2 लोगों को कंज्यूम करा पा रहे थे, अब हमारे पास 200 लोग हैं, तो कहां से होगा इतनी स्पीड से। ठीक है, उस स्पीड से ना तो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, ना हमारी अर्निंग हो रही है, ना हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, राइट। तो सबसे बड़ा रीजन है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से गरीबी मतलब पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जैसी मैं अभी बात कर रही थी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्शन है, वो जनसंख्या को मतलब पॉपुलेशन को कॉम्पिटीट नहीं कर पा रहा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी हमारा ग्रो कर रहा है, नो डाउट, लेकिन पॉपुलेशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन एज कंपैरिजन टू पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही है और सप्लाई बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है वो उस रेशियो से नहीं बढ़ पा रहा जिस रेशियो से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से गरीबी भी बढ़ जाती है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर 2 चीजें हैं आपके सामने, ठीक, एक दिन में मैं 2 चीजें बना पा रही हूँ, 2 मार्क का बना पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन वही मैंने एक दिन में अगर 10 मार्क का बना दिए, 100 मार्क का बना दिए, तो वहां उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि वही 2 लेबर अगर एक दिन में 2 मार्कर बना रही है और उन्हीं 2 लेबर से मैंने एक दिन में 200 मार्कर बनवा दिए, तो ऑब्वियसली क्योंकि वेजेस तो मेरी सेम है, खर्चे तो मेरे सेम है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा हो गया जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स हम बाकी अपनी वीडियोस में देख चुके हैं, अपने माइक्रो में भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैक्रो में भी हमने ये सारी रिलेटेड टॉपिक्स करे हैं, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। सारे माइक्रो में हमने यही पढ़ा है, ठीक है, कि कैसे टोटल प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट कैसे कम हो जाती है। अब सपोज हम एग्जांपल ले लें, मैं बहुत बार इसका एग्जांपल देती हूँ, अनियन का, प्याज का, अगर प्रोडक्शन केवल 100 kg है और सप्लायर आपके खरीदने वाले 100 लोग है, तो एक बंदे पे 1 किलो प्याज आई, लेकिन यही प्रोडक्शन है 100 किलो, ठीक है, और लेने वाले आ गए 1000, तो वही आपका जो सप्लाई होगी वो 100 kg ही है, वो तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन 100 kg है। ठीक है, तो वहां पर लेने वाले कंजप्शन जो है, कंजप्शन बढ़ गया यहाँ पर, ठीक, और अगर वही प्याज 100 kg जो थी उसका प्राइस अब क्या होगा, धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो उसके प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं। जैसे डायमंड को आप ले लो, हम पुरानी वीडियोस में भी काफी बार इस एग्जांपल को शेयर कर चुके हैं कि डायमंड है आपका, डायमंड की सप्लाई कम है इसलिए उसके प्राइस ज्यादा है। ठीक है, और पानी हम अगर ले उसके कंपैरिजन में, तो पानी की सप्लाई ज्यादा है इसलिए उसके प्राइस कम है। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ डायमंड, राइट। तो इसीलिए जब हमारे पास प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, सप्लाई हमारी कम है, तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसीलिए महंगाई बढ़ती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी पॉवर्टी का पॉपुलेशन है। जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम पॉवर्टी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आपका क्रोनोलॉजिकल होता है, टाइम पीरियड सीजनल जिन्हें हम बोलते हैं, तो कुछ हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो सीजनल हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में वो काम करते हैं, उसके बाद वो फिर से बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे आप अभी का टाइम देख रहे हैं, अभी हम ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये मार्च का सॉरी अप्रैल का मंथ चल रहा है, और इस टाइम पे आपके वीट की हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड है, गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। तो इस टाइम पे जब कटाई का काम चल रहा है तो बाहर से लेबर आएगी, लेबर काटेगी, बट लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं आ पा रही है। बट अगर जैसे नॉर्मल पीरियड होता है तो इस टाइम पे लेबर को बुलाया जाता है कटाई कराने के लिए, और उसके बाद उन्हें फिर से जितने दिन कटाई चलेगी तो दिन उनके पास काम है, लेकिन उसके बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। या आपने देखा होगा कि जब ओकेशंस आते हैं, दिवाली आ गई, ईद आ गई, या आपका क्रिसमस आ गया, उस टाइम पे क्या होता है सीजनल वर्कर्स को हायर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम डिमांड ज्यादा होती है लोगों की, चाहे वो स्वीट्स की हो, चाहे वो ड्रेसेस की हो, चाहे वो बाकी प्रोडक्ट्स की हो, तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है और लोगों को हायर किया जाता है प्रोडक्शन ज्यादा कराने के लिए। लेकिन जैसे ही सीजन ऑफ हुआ उस टाइम से उन लोगों को फिर से काम से हटा दिया जाता है। तो यहाँ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसे बोलते हैं हम क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए तो आप एम्प्लॉयड हैं लेकिन उसके बाद आप फिर से अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोगों का उस काम में लगे रहना। जैसे कि एग्रीकल्चर, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, वहां आपको 10 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां 15 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर हम 5 को साइड कर दे, 5 को हटा दे, तो हमारे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, सीजनल वर्कर हैं, कुछ टाइम के लिए तो काम किया लेकिन उसके बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए तो उनके पास अर्निंग है, अपना नेसेसिटीज को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। आपके मजदूर हैं जो काम करते हैं, डे टू डे वेजेस वाले लोग हैं, जो जिनके पास काम आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो लोग उनके पास अर्निंग नहीं होती, ठीक है। तो इस रीजन से भी हमारी पॉवर्टी बढ़ती जाती है, हमारी जो पॉवर्टी है वो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी देखिए, हमारे इंडिया में जो रिच लोग हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। जैसे अगर हम नॉर्मल जनरल एक रेशियो लेकर चले तो 3% लोग रिच है और 97% लोग पुअर है, ठीक। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं जो पैसा लगा सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जो रिच है, वो परसेंटेज बहुत कम है। तो ऑब्वियसली जब लोगों की परसेंटेज कम होगी तो लोगों के पास पैसा, मतलब जो 97% है उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास पैसा नहीं होगा कहीं लगाने के लिए, लैक ऑफ कैपिटल है, हमारे पास पैसा नहीं है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो कम होगा। मैंने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो मैं प्रोडक्शन भी 100 रुपए तक का कर पाऊंगी, वहीं मैंने अगर 1 करोड़ रुपए लगा दिए तो प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हम कैपिटल कम यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी हमारा कम होगा, और अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम ही जनरेट होगी। अब मुझे 2 मार्कर बनाने हैं तो मैं 10 लोगों को थोड़ा हायर करूंगी, एक ही बंदे को हायर करूंगी जो मार्कर बना सके, ठीक। तो हमारा क्योंकि प्रोडक्शन कम है तो हम एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट कम है तो हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग एम्प्लॉयड नहीं है तो गरीब तो होंगे ही, ठीक। इसीलिए पॉवर्टी हमारी बढ़ जाती है, पॉवर्टी हमारी कंट्री में अभी तक रिमूव नहीं हो पाई। लास्ट रीजन हम देख लेते हैं, हाई इलिटरेसी रेट। देखिए मेरा अपना पर्सनल ये व्यू है कि अगर आप लिटरेट हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो आई एम श्योर आप गरीब की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतना कुछ ना कुछ तो अर्न कर लेंगे कि आप गरीब एटलीस्ट बीपीएल के नीचे तो नहीं जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में तो आप नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट है, कॉज है पॉवर्टी का, हाई इलिटरेसी रेट। हमारे यहाँ जो इलिटरेसी रेट है वो कम है, और जो हमारे यहाँ एजुकेशन दी जाती है, अगर मैं उस एजुकेशन को दूसरी कंट्री से कंपेयर करूँ
तो हमारी एजुकेशन सिस्टम पुराना है, ट्रेडिशनल मेथड हम यूज कराए जा रहे हैं, बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, जबकि बाकी कंट्री में अगर हम देखें तो बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। हम यहाँ मशीनों के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में अगर हम देखें तो मशीन को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि मशीन ऐसे स्टार्ट होती है। हम यहाँ केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं कि ये मशीन ऐसे काम करेगी, ऐसे चलेगी, लेकिन वहां पर वो प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, ठीक है, कि ये एक्चुअल में ऐसे काम करती है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी एक पिछड़ा हुआ सिस्टम है, अभी हम ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो कर रहे हैं। सेकंड थिंग, हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लिटरेसी रेट हमारी बहुत कम है। और अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे, उनके पास स्किल कैसे आएगी किसी काम को सीखने की, और अगर वो स्किल नहीं होगी तो उन्हें जॉब कैसे मिलेगी, और अगर जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो वो लोग गरीब लाइन में आ जाते हैं, पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रीजंस कि पॉवर्टी का रीजन क्या है, क्यों हमारा देश गरीब है या हमारे देश से गरीबी नहीं हटती। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके सजेशंस के बारे में और आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।